अरे अरे भाभी जी, आप यहाँ और ये इतना भारी सामान लेकर क्यों खड़ी हैं? अरे आप उनको बोलना चाहिए ना, आप उन मर गए क्या? लाइए दीजिए, इधर दीजिए। अरे भाभी जी दीजिए, कुछ नहीं है, हो गया है? अरे भाभी जी, अगर एक पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? और अब तो हम वैसे भी पड़ोसी फ्रेंड हो गए, है ना? और भाभी जी, आप जानती हैं कि इस पूरी कॉलोनी की जिम्मेदारी अपुन के कंधों पर है। जब अपुन इन सब का बोझा उठा सकता है तो आपका ये सामान का बोझ तो कुछ भी नहीं है, एकदम हल्कू है। अब ये सही जगह आ गया, आप चलिए घर चलिए। अरे चलिए आप। प्लीज डोंट माइंड भाभी जी, एक बात बोलूं, आप ना 7 साल के बच्चे की मां लगती नहीं है, आप तो वो बॉलीवुड के हीरोइन के जैसे लगती हैं, बिल्कुल उससे भी बढ़कर। मानना पड़ेगा भाभी जी, वाजपेयी भाई साहब की ना किस्मत बहुत अच्छी है जो उनको आपके जैसे भिन्नाट मैसेज मिली है। मेरा मतलब भाभी जी के एकदम ब्यूटीफुल सुंदर मैसेज मिली है। अपना भी सपना था भाभी जी, जब अपन छोटा था ना तब हमेशा बोलता था अपने दोस्तों से कि जब अपन बड़ा होगा तो अपन को एकदम गोरी चिट्टी ब्यूटीफुल बिल्कुल आपके जैसी मैसेज मिलेगी। लेकिन अपन को क्या मिला? कोलू का बैल घर में बैठ। खैर, अपना ट्रेजेडी अपन आपको फिर कभी सुनाएगा, अभी आप बताइए। अरे कहिए कुछ कि आपका वाजपेयी भाई साहब के साथ वेडिंग कैसे हुआ? जरूर अरेंज मैरिज हुआ होगा, है ना? अरेंज हुआ ना? नहीं, क्या कह रही है, लव मैरिज? मम्मी कसम, अरे बाप रे, अब तो विश्वास हो गया भाभी जी कि वाजपेयी भाई साहब ने ना जरूर मोती दान किए होंगे तभी आपके जैसी ब्यूटीफुल मैसेज मिली है। काश मैं भी पढ़ लिख गया होता, अच्छा नौकरी पर तो पोजीशन पे होता तो अपन को भी आपके जैसा वाइफ मिलता। क्या बोला मैंने? नहीं नहीं, अरे नहीं भाभी जी, मैंने कुछ नहीं, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि लो बातें करते करते पता ही चला आपका घर आ गया भाभी जी, वो देखो ये लीजिए भाभी जी। तो भाभी जी, आज हुआ सो हुआ, लेकिन आइंदा आपको कभी कोई भी काम पड़े ना आप सीधा मुझे बोलिएगा, ठीक है? सीधा फोन कर दीजिए। अरे दिखाइए एक सेकंड, करेंगी कैसे जब तक नंबर नहीं दूंगा? ये लीजिए, इसमें मेरा नंबर है, कभी भी आप कोई भी काम पड़े, कोई भी हेल्प चाहिए हो, सीधा अपन को बोलने का, संकोच नहीं करने का भाभी जी। अभी अपन क्या है? पड़ोसी फ्रेंड, ठीक है भाभी जी, चलता हूं।